पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताने जा रहा हूं। कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया, मित्रों द्वारा, कि सर ईपीएफओ पे कुछ आप एक वीडियो बनाइए, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, बायफर्केशन कैसे होता है, लेबर लॉ से संबंधित है, मेजर बेनिफिट क्या है, इन सब बातों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में सरकार के द्वारा लाया गया, ये बिजनेस ओनर्स को, सीए लोगों को, अकाउंटेंट को, एम्प्लॉयज सभी को जानना चाहिए। और ये ईपीएफ एक्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ईएसआई से ये मोर कॉम्प्लिकेटेड है। भारत में लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ ले रहे हैं, कवर्ड है पीएफ स्कीम में। और व्हाट इज ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस एक्ट कहलाती है 1952। और इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, ये एडमिनिस्ट्रेटेड इससे होती है। ईपीएफ में तीन स्कीमें होती हैं, एक होती है ईपीएफ स्कीम 1952 की और दूसरी है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, ईपीएस कहलाती है, पहली वाली ईपीएफ कहलाती है, और तीसरी है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जो अल्टीमेटली डेथ वगैरह होने पर इसका लाभ मिलता है। तो ये 180 प्लस इंडस्ट्रीज पे लागू होता है ईपीएफ का एक्ट। दूसरा है थिएटर में, जहाँ 5 से अधिक एम्प्लॉय है वहाँ भी लागू होता है, वैसे सामान्यतः 20 से अधिक एम्प्लॉयज हैं, कार्यरत हैं, वहाँ लागू होता है, और जिनकी ये 15,000 रुपये से कम इनकम है वहाँ तक लागू है। टैक्स फ्री सेविंग का भी इसमें बेनिफिट मिलता है, बेसिक प्लस डीए 15,000 रुपये पर एक बार कवर्ड होने पर ये उस इंडस्ट्री पे लगता है। कंट्रीब्यूशन इसमें यह है कि अगर आप इनकम टैक्स वगैरह की, आपको ATC के अंतर्गत लाइबिलिटी टैक्स फ्री रहती है इसमें, 5 साल के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं मैच्योरिटी के बाद। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है, जब 10 साल की सेवा पूर्ण हो जाए तो आपको अगर आवश्यकता है इमरजेंसी में, डेथ में, मैरिज में, हाउस में, मेडिकल में, तो ईपीएफ का आप अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले वाले का रिटायरमेंट बेनिफिट का ईपीएफ का है, दूसरा है ईपीएस का पेंशन से संबंधित है, तीसरा है अल्टीमेटली डेथ वगैरह से संबंधित ईडीएलआई कहलाता है। तो ईपीएफ अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं और इंश्योरेंस ईडीएलआई स्कीम के तहत अल्टीमेटली डेथ पे आपको मिल जाता है। तो इसका एक यूनिवर्सल एक्सेस अकाउंट नंबर होता है, जो एक एम्प्लॉयर से आप दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ भी ट्रांसफर करा सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रोविडेंट फंड से संबंधित कुछ मोटी मोटी बातें इस वीडियो में बताई, कहाँ एप्लीकेबिलिटी है, कैसे कटता है, और ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट की जानकारी सभी लोगों को, जो भी इससे संबंधित है, बिजनेस ओनर, सीए, अकाउंटेंट और कोई भी एम्प्लॉय वगैरह, सबको होनी चाहिए। तो ये ईएसआई एक्ट से कॉम्प्लिकेटेड है, 7 करोड़ लोगों से ज्यादा पर एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है, और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। तीन स्कीमें हैं जैसी मैंने बताया, रिटायर सेविंग से संबंधित, दूसरा पेंशन से संबंधित, तीसरा अल्टीमेटली कोई डेथ वगैरह से संबंधित। 180 प्लस इंडस्ट्रीज पे लगता है, थिएटर में 5 से ज्यादा पे, वैसे 20 से ज्यादा पर जहाँ कर्मचारी कार्यरत हैं। टैक्स फ्री सेविंग है ATC के तहत, और 10 साल की सेवा होने पर आप इसको निकाल भी सकते हैं। इंश्योरेंस जहाँ EDLI स्कीम में अल्टीमेटली डेथ होने पर, और दूसरा यूनिवर्सल एक्सेस अकाउंट को ट्रांसफर भी करा सकते हैं। तो ये मैंने खास खास प्रोविजन आपको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट एक्ट के संबंध में इस वीडियो में बताया। और मेरी एक धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है, यदि उसे सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।